आज हम वेज चीज बॉल्स की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए जो सामग्री हमें लगने वाली है उसमें हमने लिया है ये 3 आलू हमने बॉईल करके लिए हैं, जिसका हमने छिलका निकाल के लिया है। ये 1 बड़ा चम्मच हमने शिमला मिर्च लिया है बारीक कट करके। ये 1 बड़ा चम्मच हमने गाजर बारीक कट करके लिया है। 1 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिया है। ये कुछ धनिया पत्ते हमने बारीक कट करके लिए है। 1/2 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून हम मिक्स हर्ब लेने वाले हैं। 1 हम अंडा लेंगे। ये 1 प्रोसेस चीज़ का क्यूब मैंने लिया है। नमक हम स्वाद अनुसार लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। ये 1 बाउल मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही बनाया है। ब्रेड को टोस्ट करके उसको मैंने मिक्सी में से निकाल के लिया है। और ये मोजरेला चीज़ है जो हमें वेज बॉल्स के अंदर स्टफ करने के लिए लगेगा। तो आइए वेज चीज बॉल बनाना शुरू करते हैं। ये जो आलू हमने लिए हैं इन्हें मैश करके लेते हैं मैशर से। अच्छी तरह से मैश करना है आलू को, फिर इसमें हम सारी चीजें ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू पूरी तरह से मैश हो चुके हैं। अभी हम सब चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। नमक लेंगे, स्वाद अनुसार लीजिए। मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये चिली फ्लेक्स है। ब्लैक पेपर पाउडर है। जो वेजिटेबल हमने लिया है इसमें शिमला मिर्च है, गाजर डालेंगे। आप इसमें कॉर्न भी डाल सकते हो अगर आपके पास है और आपको पसंद है। ये थोड़ी सी धनिया पत्ती हम इसमें डालेंगे। और कॉर्नफ्लावर लिया है हमने 2 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड करेंगे। और ये प्रोसेस चीज़ हमने लिया है इसको हम इसमें ग्रेट करके डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा क्यूब हम डाल देंगे इसमें। आपको चाहिए तो आप और भी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसे अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि हमें इनके बॉल्स बनाने हैं। डो जैसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए, हमने पूरे सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। अभी हम हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इनके गोले बनाएंगे। एक ही साइज के सब गोले बनने चाहिए। पहले हम गोले बना के रखते हैं। अगर आलू का जो मिश्रण हमने बनाया है वो हाथ को चिपकता है तो बीच बीच में हम थोड़ा सा ऑयल हाथ को लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सभी बॉल्स में चीज डाल लिया है अंदर। अंडे को फोड़ के हम थोड़ा सा बीट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसे बीट करके रखेंगे।
ये हम साइड में करते हैं और ये जो हमने 3 टेबलस्पून मैदा लिया था इसमें भी हम थोड़ा सा नमक डाल के इसकी भी पेस्ट बना। हम आगे का प्रोसेस करते हैं, जो बॉल हमने स्टफ किए हैं चीज से उसको हमें ये जो हमने मैदे का पेस्ट बनाया है इसमें डालने का है और इसे निकाल के उसको ब्रेड क्रम्स में कोट करना है ब्रेड क्रम्स से, तो इस तरह से हम इसे कोट करके लेंगे। पूरी तरह से उसे अच्छे से डीप करना है मैदे के इसमें। सभी बॉल सभी इस तरह से कोट करके लेती हूँ। दो बच्चे मैंने दिखाते हुए वापस आपको दूसरे हाथ से ब्रेड क्रम्स उसके ऊपर डालना है अच्छे से कोट करना है। साइड से कोट हुआ है हमारा बॉल, अभी हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। बॉल को पहले प्रोसेस में हमने मैदे से और ब्रेड क्रम से कोट किया था, अभी दूसरी बार हम इसे अंडे से और ब्रेड क्रम से कोट करेंगे। ये देखिए इसे सभी साइड से अंडे से पहले कोट करना है। ब्रेड क्रम्स का कोटिंग जो हम कर रहे हैं वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसे के ऊपर ऐसे लम्स जैसे आ जाते हैं तो कोटिंग के टाइम वो ध्यान रखना है और अच्छी तरह से सभी साइड से बॉल को घुमा के उसको कोट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी तरह से हमारा बॉल कोट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी बॉल्स को कोटिंग कर लिया है। ये लास्ट के दो बॉल्स मैं वापस से आपको दिखाती हूँ। अंडे का पूरा कोटिंग करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स पे डालेंगे और इसे पूरी तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ऑयल को हमने पहले गर्म करने के लिए रखा था, अभी ये बॉल्स हम इसमें डालेंगे। ज़्यादा बॉल्स एट अ टाइम नहीं डालना है, 3-4 ही बॉल हम एट अ टाइम डालेंगे। एक साइड से कलर आने के बाद हम इसे दूसरी साइड फ्लिप करेंगे। बॉल्स को हम निकाल लेते हैं। वापिस से ये 4-5 बॉल हमने इसमें डाल दिए हैं। एक साइड से कलर आने के बाद हम इन्हें फ्लिप करेंगे। चाहिए तो आप ऐसे छोटे चमचे से ऊपर से भी ऑयल डाल सकते हैं।
बॉल्स बहुत ही नाजुक रहते हैं क्योंकि हम आलू से इसे बनाते हैं, तो इसकी वजह से इसे फोक से या छोटे चम्मच से हिलाओ टूटते नहीं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे बॉल्स के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे बॉल्स को कितना अच्छा कलर आया है। अभी हम ये सभी बॉल्स निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे चीज बॉल्स कितने अच्छे बने हैं, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए